नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। IPHS मानक में शिथिलता रखते हुए फार्मासिस्ट के पदों को यथावत रखे जाने सहित अन्य मांगों को लेकर फार्मासिस्टों ने आज PCGOC और प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य महानिदेशक को एक पत्र सौंप सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की। इससे पूर्व फार्मासिस्टों द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट का स्वागत किया गया। इस मौके पर फार्मासिस्ट संघ के KS अधिकारी TS तोमर, विपिन पंत, RS मेहता, नीलम जोशी, कविता वर्मा, MD जोशी सहित अन्य फार्मासिस्ट मौजूद थे। इससे पूर्व महानिदेशक द्वारा अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया। पिथौरागढ़ में बीते दिनों से आयोजित नन्ही चौपाल समर कैंप का आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। समर कैंप के दौरान कुशल प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। नन्ही चौपाल के संरक्षक विप्लव भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों को थिएटर, योग, कुमाऊनी भाषा बोली, संस्कृति, आर्ट सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। इस दौरान संरक्षक भट्ट ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सभी द्वारा सराहना की गई। इस मौके पर अधिवक्ता संस्था सचिव पंकज शर्मा, प्रकाश जोशी, राहुल शाह, जनार्दन उप्रेती, दीवान सिंह वल्दिया, नानू बिष्ट, रचना शर्मा, शिवानी सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ उद्योग व्यापार मंडल चुनाव के लिए कल रविवार को प्रातः 7 बजे से मतदान होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी जगदीश चंद पुनेठा ने बताया कि मतदान के बाद अपराह्न 3 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। बता दें कि व्यापार मंडल के 6 पदों पर 16 दावेदार मैदान पर हैं। इस बार के चुनाव में पहली बार उपाध्यक्ष महिला पद पर 3 दावेदार हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला व्यापार संघ अध्यक्ष पवन जोशी ने भी सभी तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि उसमें 3787 व्यापारी हमारे रजिस्टर्ड है, जो कल प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक हमारा यहाँ पे मतदान चलेगा, जो मतदान करेंगे। इसमें हमने टोटल 4 बूथ के साथ 8 बूथ बनाए हैं। 4 बूथ को 2 डिवाइड करके कुल 8 बूथ इसमें बनाए हैं हमने, और हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक व्यापारी आए और मतदान करें। जमीन दिलाने के नाम पर एक ITBP जवान के साथ हुई 4 लाख की ठगी की शिकायत पर फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट द्वारा जवान की धनराशि वापस करा दी गई। जाजरदेवल ITBP में तैनात जवान ने ब्रोकर द्वारा जमीन दिलाने के नाम पर 4 लाख की धनराशि बयाने के तौर पर लिए जाने व जमीन न दिलाने पर धनराशि वापस न करने की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट द्वारा आवश्यक पत्राचार करने के पश्चात शिकायतकर्ता की पूरी धनराशि वापस करा दी। पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार होने पर अविलंब 1930 हेल्पलाइन नंबर तथा किसी निकट थाने या साइबर सेल में शिकायत करने की बात कही है। टीम में उप निरीक्षक प्रियंका इजराल, कांस्टेबल आनंद सिंह राणा, अशोक कुमार शामिल थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।